हाँ, हमारे देश की सरकार चलाने वाले नेता और मंत्री, उनको इस तरह की बल्क परचेज करने में करोड़ों रुपए की रिश्वत होती है। जब वो उस कंपनी को प्लेस करते हैं ना ऑर्डर, उन्होंने 10,000 कोटि का ऑर्डर दे दिया। कल्पना करोगे, 10,000 कोटि की टेमीफ्लू हमको दे दो, तो इसमें से कम 1,000 से 1,500 कोटि रुपए मंत्रियों की रिश्वत का फिक्स हो जाएगा। इसलिए सरकार का इंटरेस्ट है कि ये दवा मंगाई जाए। और इतना ही इंटरेस्ट नहीं है, स्वाइन फ्लू का टेस्ट करने के लिए किट्स मंगाई जाए अमेरिका से, मशीनें मंगाई जाए अमेरिका से। अभी चर्चा ये चल रही है कि हर एयरपोर्ट पे मशीनें लगाई जाएंगी, उनमें से आदमी को गुजार कर टेस्ट करेंगे। वो मशीनें लाखों करोड़ों रुपए की हैं। तो उनका ऑर्डर अमेरिका में किसी कंपनी को दे दिया सरकार ने, उस ऑर्डर का 10-15% मंत्रियों को मिल गया, हिस्सेदारी के रूप में अधिकारियों को मिल गया। तो सरकार का वेस्टेड इंटरेस्ट ये होता है कि खूब रिश्वत इस तरह के कामों में मिलती है। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देता हूं। आपको याद है 14 साल पहले सूरत में एक अफवाह उड़ी थी कि प्लेग आ गया, प्लेग आ गया, प्लेग आ गया, याद है? उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि पूरे सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई, पूरे सूरत की। 14 दिन तक सूरत में एक कारखाना नहीं चला, एक पैसे का प्रोडक्शन नहीं हुआ, सारे कारखाने ठप हो गए, मजदूर भागकर सब अपने गांव चले गए, क्योंकि सबको दहशत और डर बैठ गया। उतनी देर में परिणाम क्या निकला, भारत में कपड़े की कमी आ गई। तो सरकार ने क्या किया, परदेशी कंपनियों को कपड़ा भारत में बेचने का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। तो परदेशियों का अंधाधुंध कपड़ा बिका। और उसके बाद 14 दिन के बाद फिर खबर आई कि प्लेग नहीं है, प्लेग नहीं है, वापस लोग आए। लेकिन वापस आने में 6 महीने लग गए और फैक्ट्री चलाने में 6 महीने लग गए। 6 महीने तक भारत का बाजार विदेशी कंपनियों ने कपड़े से भर दिया और पूरे खेल में 14,000 कोटि का नुकसान भारत देश को हुआ। ये 14 साल पहले सूरत में हुआ था। फिर बाद में वैज्ञानिकों ने जांच की तो पता चला कोई प्लेग नहीं था, सिर्फ अफवाह थी। और वो अफवाह उन कंपनियों ने फैलाई थी जिनको भारत में कापड़ बेचना था। यही खेल अभी हो रहा है। और अभी खेल क्या हो रहा है, पुणे कितने दिन से बंद है, 8 दिन हो गए। पुणे में एक दिन की गतिविधि जो चलती है, जिसको अंग्रेजी में हम सब ट्रांजैक्शन कहते हैं, कितने करोड़ का होगा, 500 कोटि। अब 500 कोटि का ट्रांजैक्शन एक दिन का, तो 8 दिन का 4,000 कोटि रुपए नुकसान हो गया पुणे का, सिर्फ एक झूठी अफवाह के आधार पर। अब ये 4,000 कोटि का नुकसान तो हो ही गया, वो एक बात है। अब वो कंपनी यहां जब दवा बेचेगी और वैक्सीन बेचेगी तो पुणे का और 10,000 कोटि का नुकसान होगा, क्योंकि हम वैक्सीन खरीदेंगे, दवा खरीदेंगे, पैसा उस कंपनी के हाथ में जाए। और अगर ये खेल लंबा चल गया तो जानते हैं क्या होगा, यहां जो सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां, वो कहेंगी यहां से बेस अपना शिफ्ट करो, यहां धंधा अब ठीक नहीं है करना। क्योंकि जब उनके कर्मचारियों के सिर पे तलवार लटकती होगी तो वो कैसे करेंगे। वो यहां से अगर शिफ्ट कर गए, बेंगलोर चले गए या कहीं और चले गए, तो पुणे का ये जो आधार बना ये खत्म हो जाएगा, हजारों लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी। इतना बड़ा खेल है ये। और ये खेल सिर्फ बीमारी का नहीं है, ये खेल एक युद्ध का हिस्सा है। और ये युद्ध जो है ना, आर्थिक युद्ध है। कुछ युद्ध होते हैं वो सैनिक युद्ध होते हैं। सैनिक युद्ध में हमारी सेना दुश्मन की सेना से सीधे लड़ती है बॉर्डर पे। लेकिन कुछ युद्ध होते हैं जो आर्थिक युद्ध होते हैं, जो आपके बाजार में लड़े जाते हैं, जिसमें कोई विदेशी कंपनी आके एक झटके में आपका 4,000 कोटि का नुकसान कर देती है और वही कंपनी और 10-20 हजार कोटि वहां से लूट के ले जाती है। ये आर्थिक युद्ध है। अब इस आर्थिक युद्ध में सैनिक आप हैं, सैनिक युद्ध के सैनिक बॉर्डर पे हैं, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवल फोर्स के सैनिक हैं, वो बॉर्डर पे देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं। तो आप देश के आर्थिक युद्ध के सैनिक बने, जो देश का एक एक रुपया, एक एक पाई, एक एक धन की संपत्ति को बचाने की लड़ाई लड़े। इसलिए सैनिकों का दिमाग साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए अपने उद्देश्य के प्रति और अपनी संपूर्ण समर्पण के प्रति। आपका उद्देश्य अगर आपको साफ दिख रहा है तो युद्ध में आप लड़ेंगे और जीतेंगे।
और अगर आपका उद्देश्य ही आपको साफ नहीं दिख रहा है तो लड़ेंगे तो सही लेकिन हारेंगे। इसलिए ये आज का कार्यक्रम रखा गया कि ये आर्थिक युद्ध भारत के खिलाफ शुरू हुआ है और इस युद्ध में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, उनमें सबसे बड़ा देश है अमेरिका। अमेरिका को भारत से इस समय बहुत डर लगा।